27 महीने बाद जब आजम खान जेल से बाहर आए तो यह अपेक्षा की जा रही थी कि राजनीति के कई अटकलों पर विराम लगा दिया जाएगा। आजम खान जब जेल में थे तो राजनीतिक गलियारों में कई दाव पेच खेले जा रहे थे। कभी ये कहा जा रहा था कि आजम खान कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो कभी ये कहा जा रहा था कि मायावती उन्हें अखिलेश यादव के विरोध में इस्तेमाल करना चाह रही है। तो वही शिवपाल यादव भी आजम खान के पक्ष में खूब बयानबाजी दे रहे थे। अखिलेश यादव ने भी ये दावा किया था कि भले ही मीडिया और नेता कुछ भी बात करे, लेकिन अखिलेश यादव आजम खान के साथ हर वक्त जुड़े हैं। लेकिन अब आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं और सियासी सरगर्मियां भी तेजी से बढ़ गई हैं। जेल से बाहर आने पर आजम खान ने कई सवालों के जवाब दिए, पर कई मामलों में खामोशी ओढ़ना बेहतर समझा। उनकी ओर से खुलकर जवाब आने के अनुमान लगाए जा रहे थे। रामपुर पहुंचकर उन्होंने अपना दर्द भी जाहिर किया और कई तरह के इरादे भी जताए, लेकिन उन्होंने शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को लेकर कोई राय जाहिर नहीं की है। शायद वो सपा में उलझे सियासी समीकरणों को समझने के लिए और वक्त लेना चाह रहे हैं। शिवपाल काफी समय से उनके पक्ष में पैरवी कर रहे थे, लेकिन आजम खान ने सभी का एक साथ शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपनी बातों को सही जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी बातों से कहीं जाहिर नहीं होने दिया कि वे शिवपाल के करीबी हो गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तो आजम खान के करीबियों ने ना मदद करने का आरोप लगा दिया था, लेकिन आजम खान ने उस उपेक्षा के मुद्दे में भी कुछ नहीं बोला, जिसको लेकर सपा सवालों के घेरे में है। आजम खान ने कुछ लोगों के धोखा देने की बात कही। राजनीतिक गलियारों में इसे आजम खान का सपा पर वार माना जा रहा था, लेकिन साफ तौर पर आजम खान का इशारा उनकी ओर नहीं था। जिन्होंने अच्छी खासी रकम लेकर जमीन बेची और बाद में आजम खान पर मुकदमा कर दिया, आजम खान उन पर निशाना साध रहे थे। वही आपको बता दे कि विधानसभा सत्र से पहले अखिलेश यादव ने किसमय यानी आज पार्टी कार्यालय में सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। इसमें सभी विधायकों का शामिल होना अनिवार्य है। सपा के वरिष्ठ विधायक आजम खान इस बैठक में अगर शामिल नहीं होते हैं तो इससे ये संदेश जाएगा कि वे सपा के नेतृत्व से नाराज हैं। आजम खान को अभी विधायक पद की शपथ भी लेनी है, उसके बाद ही वे 23 मई को शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र में शिरकत कर सकेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।